सर मेरा नाम मलकीश है, मैं डिस्ट्रिक्ट फाजल का रहने वाला हूँ। सर 2020 मेरा घर दरवाला से मैं मोटरसाइकिल लिया सी, कंपनी में लगा हुआ है वो बजाज फ्रेंड्स कंपनी दे लगा रहा है। सर वो मेरे घर दी लै गया है, वो बजाज मेरे घर वाली लै गया सर आ गया है। वो गंगानगर नुमानगढ़ दे सरसे दे एरिया च घूमदी है। बदला तारने की किस्त तो मैं सर भरनी है। मैं हरियाणा पुलिस नूं मोटरसाइकिल दे देना, डिपार्टमेंट कोई भी भारत की जां हरियाणा की जां राजस्थान की जां पंजाब की स्टेट नूं मैं मोटरसाइकिल दे सकदा। हाँ जी सर मैंने फंड्स भर लिया था, मैंने एक किस्त भरी बाकी नहीं सर भरी। सर मेरी आर्थिक मैं सर गरीब हो गया था सर, मेरे ना घर एक मेरे घरेलू मामला बन गया था उस वजह करके मैं किस्त नहीं सर। बजाज फंड्स वाला उनके साथ काम करता वो पा गया था। तो फिर हाँ सर वो गंगानगर नुमानगढ़ सरसे दे एरिया च रहिंदी है सर। एक बदला तो नहीं मैं सर, मैं आप दी सिंबल गलत नहीं करवाना चाहता सर, मैं किस्ता भी भरांगा सारा कुछ भरांगा। सर मेरी 36 किस्तां 35 डू ने सर, पल्लू थाने च खड़ा रहे 32 महीने मोटरसाइकिल 32 महीने पल्लू थाने में खड़ा रहा जी मेरे को। क्यों खड़ा रहा? हाँ जी पल्लू थाने च मैं कंपनी नु भी लिख के दे दिया है, एजेंसी जितू मोटरसाइकिल है उत्ते भी मैं लिख के दे दिया है। सर मैं मोटरसाइकिल नहीं लै सकता जो तक मेरे को कापी नहीं दोगे, तो फिर 32 महीनों बाद मैं मोटरसाइकिल हूँ लैके आया। तो हूँ मैं वापस देना चाहता सी बजाज फाइनेंस कंपनी नु जलालाबाद एजेंसी वो भी नहीं वापस लै रहे। उन्होंने बेटे 10,000 रुपया दे दो, आपको नंबर कापी दे देते हैं ऐसा बोला उन्होंने। मेरा दो भाइयों ने मोटरसाइकिल रोका ये और एक जो दूसरा मेरे को पीटा। सर मैं एक ऐसा गल जरूर की थी सर, मेरा घरेलू मामला था सर, जो जिन्होंने लड़कियां ने पनाह दी है वह निहंग गए संबंधित रखते सर। वो अगे तो इतने पहुंचाना था हेड ऑफिस पुणे है, मैं पुणे नहीं मैं दे सकता हूँ, पुणे महाराष्ट्र में नहीं दे सकता, जब पंजाब में दे सकता हूँ एजेंसी में। पूरी कहानी सर ये काम करना था चौटाले को, ठीक है परली सर, ठीक है जी। बाइक हमने ट्रेस मारी, बाइक आई किस्तों पे 36 किस्तें ड्यू जी। हमने से भाई से पूछा भाई भी तूने किस्तें क्यों नहीं भरी हैं आप अपनी गाड़ी में, कहा किस्तें नहीं भरी भाई साहब आपको साथ दे भाड़े में अपनी गाड़ी लगा देते हैं, ठीक है जी। कहता मेरे को विश्वास नहीं है आप पर, हमें मैं अपनी गाड़ी अपने पुलिस थाने में दूंगा जी, मैं गाड़ी लेगा जी पुलिस लाइन वहाँ पे इससे पूछ लो जी। मैं वहाँ पे आधा घंटा खड़ा, मुलाजिम भी मिले, मैं कहा यहाँ पे जमा करा दे। कहता ना भाई यहाँ भी नहीं कराऊंगा, अब मैं सदर थाने में जमा कराऊंगा जी। मैं कह यार तो अच्छा आदमी है जी, इससे पूछो पहला सदर थाने वाले से पूछो जी। सदर थाने भी गया पुलिस लाइन कैमरों में आया होगा ये सदर थाने, फिर सदर थाने मैंने फिर भी मैं चल थोड़ा सा मेंटल सा मैं चला आया सदर थाने चलते हैं जी। मैं सदर थाने ले गया जी इसको, वहाँ पे गए मुलाजिमों से बात की, वो कहते भाई भी सुलझा, वो कहते भी सही है तू इसकी किस्तें भर, 36 किस्तें तेरी ड्यू है नहीं पेंडिंग है तू किस्तें भर, नहीं तो अगले गाड़ी दे है। कहता नहीं जी मैं गाड़ी तो नहीं दूंगा। वो वहाँ से भी थोड़ा उल्ट सुलट बोला उनको जी, मेरी बात सुनो, वो तो सर पंजाब का मैटर है ना इसका, कोई अपने सिरसा का सर मैटर नहीं है कोई इसके अंदर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनिंदर सिंह है, छोटा ना अधिकार है आपके पास इस तरह से रिकवरी करने का, लाइसेंस वगैरह है आपका, कार्ड बना? मेरे पास आईडी कार्ड है जी। प्रूफ किस नाम का आईडी कार्ड है? एक आईडी कार्ड मैंने सर फिर भी इससे पूछा है। आप रिकवरी कर सकते हैं सर, मैंने पूछा इसको उसके बाद, ये गुरुद्वारे को बाड़ा बोल रहा है, मुलाजिम से पूछ लो। कहता रिकवरी कर सकते हो इस तरह से सर, अब लड़के तो कर ही नहीं सकते प्यार से सर, मैंने प्यार से जैसे इन्होंने कहा मैंने प्यार की बात नहीं है, इन्होंने किस्तें नहीं भरी तो कोई तरीका होता होगा कोर्ट के माध्यम से आप लिख सर। मैं थाने ले गया उनको सर, बताओ मैं सर थाने ले गया, मैं तो अब सिटी थाने लेके जा रहा था मैं, सर मैं सिटी थाने लेके जा रहा था अब इसको ये बोला जैसे ही। हाँ जी हाँ जी यही कह रहा था सर, ये खुद कह रहा है सिटी थाने जाना है मैंने सर। कहता पहला सदर थाने जाना है। आप यहां से मोटरसाइकिल रिकवर करने आए थे आज? किसको जी? आप ये हमने तो ये पूछा किस्तें क्यों नहीं भरी सर, जो मेन बात है किस्तें क्यों नहीं भरी अपनी गाड़ी की, ठीक है। ये बोला कहता भी मैंने कहा तो अपनी गाड़ी जो ना देगा किस्ता भरेगा तेरी गाड़ी वाड़े में लग जाएगी है, इसने जो बात की जी है। उसके बाद मैंने कहा मैं चल तू वाड़े चल, कहता मैं वाड़े नहीं चलता मैं पुलिस लाइन चलूंगा, पुलिस लाइन ले गया सदर थाने ले गया। अब मैं सिटी थाने मुलाजिम बैठे यहाँ पे पूछो, हम सिटी थाने जा रहे थे यहाँ पे फिर रुक गया यहाँ पे, पता क्या बोला इसकी घरवाली वो कुछ निकल गई जी। उसका मतलब ये तो नहीं अभी सिखों को पूरा गंदा बोले जी, मैं भी सिख हूँ जब पूछ लो जी मुलाजिम की गवाही लो, ये मुलाजिम साहब बैठे हैं जी उनके सामने ये उसने बोला। कहता वो पागल गुरुद्वारे को तो ना माड़ा बोल, बोलो जी जो इसमें बोलो मेरा सर क्या कसूर है। बाइक और कंप्लेंट को सिटी थाने में ले जाके छोड़ेंगे जी, कंप्लेंट लिखित कंप्लेंट देंगे उसकी आगामी कार्रवाई आईओ के तहत की जाएगी। गुंडागर्दी तो कोई भी करे कार्रवाई तो की जाएगी।